आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अय्यूब की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि ऊज देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति रहता था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराइयों से दूर रहने वाला और खराई से चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल दर्शाती है कि अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। अय्यूब बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, हजारों ऊंट, गाय, बैल तथा बहुत से दास दासियां भी थे। अय्यूब एक धनी व्यक्ति के साथ साथ एक धर्मी व्यक्ति भी था और उसके बच्चे भी उसका बहुत सम्मान करते थे। आगे हम देखते हैं प्रियो कि एक दिन यहोवा के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। तब शैतान ने उत्तर दिया कि वे पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते फिरते हुए आता है। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? क्या यहोवा तूने उसके या उसके संपत्ति के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके हर काम पर आशीष दी है। ध्यान दे भाइयों बहनों कि परमेश्वर हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा को बनाए रखता है। शैतान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते और बुराइयों से दूर रहते हैं तो परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष हमें प्रदान करता है। लेकिन शैतान को यह पसंद नहीं आता। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को हर एक उत्तम आशीष दी थी, लेकिन शैतान ने परमेश्वर से ही सवाल किया कि अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय नहीं मानता। फिर शैतान यहोवा से यह कहता है कि तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, अर्थात उससे छीन ले, तब देख वह तेरी निंदा तेरे मुंह पर करेगा। उसके कहने का मतलब यह था कि जब परमेश्वर मनुष्य को सब कुछ प्रदान करता रहता है तब तक ही मनुष्य परमेश्वर का नाम आदर से लेता है, परंतु जब सब कुछ परमेश्वर मनुष्यों से छीन लेता है तो मनुष्य परमेश्वर को कोसने लग जाता है। ऐसा ही शैतान ने अय्यूब के विषय में यहोवा से कहा। तब यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, जो कुछ अय्यूब का है जा, वह सब मैं तेरे हाथ में करता हूँ, परंतु केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान वहाँ से चला गया। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि शैतान के द्वारा अय्यूब पर बहुत सी विपत्तियाँ डाली गई, अर्थात उसके पशुओं में बैल और गधियों को शेबा के लोग ले गए और भेड़ बकरियों को आकाश की आग ने भस्म कर दिया और उसके ऊँटों को कसदी लोग ले गए और उसके सारे सेवकों को तलवार से मार डाला गया और एक बड़ी प्रचंड वायु से उसके बच्चे जिस घर में थे वो घर गिर पड़ा और उसके बच्चे मर गए और उसका सब कुछ अर्थात बेटे बेटियां धन संपत्ति नाश हो गए। तब अय्यूब सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ही ले लिया, उसका नाम सदा धन्य हो। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं प्रियो कि इतनी विपत्तियों के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर से कुछ भी शिकायत नहीं की, बल्कि उसके नाम को धन्य ही कहता रहा। तब आगे हम देखते हैं प्रियो, फिर से यहोवा के सामने शैतान उपस्थित हुआ तथा फिर यहोवा ने पूछा कि तू कहाँ से आता है। फिर से शैतान ने उत्तर दिया कि वे पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते फिरते आता है। तब यहोवा ने फिर से शैतान से कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को अब भी देखा कि तूने मुझे उसका सब कुछ सत्यानाश करने को उभारा, तब भी वह अब तक अपनी खराई तथा धार्मिकता में स्थिर बना रहा। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसके मांस और हड्डियों को छू, तब वह तेरे मुँह में निंदा करेगा।
तब फिर से यहोवा ने कहा कि उसका शरीर मैं तेरे हाथ में देता हूँ, परंतु उसके प्राण को कोई हानि ना देना। यहाँ एक सीखने की बात है कि परमेश्वर की इजाज़त के बिना शैतान हमारे प्राण की कुछ हानि नहीं कर सकता। फिर आगे हम देखते हैं कि शैतान ने अय्यूब को सिर से लेकर पांव तक बड़े बड़े फोड़े कर दिए। तब अय्यूब को शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। तब वहाँ अय्यूब की पत्नी आई और उससे कहने लगी कि अब भी आप परमेश्वर में खराई से चलते रहेंगे, अब तो परमेश्वर की निंदा करो। तब अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तो एक मूढ़ स्त्री है जो ऐसा कहती है। उसने कहा कि जब हम परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना लें। इन सब बातों के पश्चात भी अय्यूब के मुख से यहोवा के लिए निंदा नहीं निकली। फिर आगे हम देखते हैं प्रियो, अय्यूब की इस पीड़ा को सुनकर अय्यूब के मित्र उससे मिलने को आए। उसके मित्रों का नाम था एलीपज, बिल्दद और सोपर। जब उन्होंने अय्यूब की दशा देखी तो वह उसके साथ विलाप करने को भूमि पर बैठे तथा उन्होंने अय्यूब पर कुछ सवाल उठाए। एलीपज ने अय्यूब की वफादारी तथा ईमानदारी पर सवाल उठाए। उसने कहा कि मनुष्य परमेश्वर के किसी काम का नहीं। उसने कहा, तू परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होगा। उसने अय्यूब की ईमानदारी में संदेह किया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। फिर अय्यूब का दूसरा मित्र बिल्दद ने अय्यूब से कहा कि अय्यूब ने ज़रूर कोई पाप किया होगा जिसकी वह सज़ा भुगत रहा है, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज भी ऐसा ही होता है। अगर कोई मनुष्य किसी बीमारियों या तकलीफ़ों से गुजरता है तो हमें ऐसा ही लगता है कि ज़रूर उसने कुछ पाप किया होगा, इसलिए ये बीमारी या परेशानी इसके जीवन में आई होगी। फिर अय्यूब का तीसरा मित्र सोपर ने भी कहा कि अय्यूब ज़रूर बुराई से चल रहा होगा, इसलिए इस पर ऐसी विपत्ति आई। इस प्रकार अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब पर इल्ज़ाम लगाए तथा उसे ही दोषी कहा, जिससे अय्यूब को बहुत दुख हुआ तथा इन सब बातों को सुनने के पश्चात अय्यूब अपने मित्रों के सामने अपनी सफाई देने लगा कि वह बुरा मनुष्य नहीं है, वह तो सदा यहोवा का भय मानकर चलता रहा। और ऐसा बताते बताते अय्यूब के मुख से परमेश्वर के लिए कुछ शिकायतें भी निकली। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि यहोवा ने आंधी के द्वारा अय्यूब से बातें की तथा उसे उत्तर दिए उसके शिकायतों व सवालों का। यहोवा ने सृष्टि की स्थापना तथा उस पर चल रहे जीवन की कुछ बातें उसे बताई, जैसे पृथ्वी बिना किसी सहारे के टिकी है। यहोवा ने कहा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। उसी प्रकार यहोवा ने समुद्र, आकाश, बादल, संपूर्ण सृष्टि के उदाहरण दे देकर अय्यूब को समझाया। इन सब बातों को जानने के लिए आप अय्यूब के पुस्तक के 38 अध्याय से 41 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। तब आगे हम देखते हैं प्रियो, यह सब कुछ सुनकर समझकर जो यहोवा ने कहा था, अय्यूब ने पश्चाताप किया और कहा, जिस सुसमाचार को मैंने सुना था आज उसे मैंने देख लिया, किस प्रकार सृष्टि का कर्ता और रचने वाला तू ही है। आगे हम देखते हैं प्रियो, यहोवा का क्रोध अय्यूब के मित्रों के ऊपर भड़का, क्योंकि उन्होंने अय्यूब के लिए गलत धारणाएं की और उसे भरमाया भी, तथा यहोवा ने उन्हें बलि कर पश्चाताप करने को कहा। और यहोवा ने उसके मित्रों से कहा कि जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना बलि करेगा तभी मैं उसे ग्रहण करूँगा, मतलब उनकी पश्चातापी प्रार्थना को। यह परमेश्वर का कार्य है भाई बहनों, कि जो लोग अय्यूब की निंदा कर रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, वही उससे प्रार्थना करवाने पहुँच गए। ऐसा ही हमारे जीवनों में भी होता है, जो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हम पर दोष लगाते हैं, यदि हम अपने कामों में निष्कलंक हैं और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत नहीं करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे सामने लेकर आता है, अर्थात ऐसे लोगों को निंदित करता है और उन्हें स्वयं अपने किए पर पछतावा होता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है।
यह बात जैसे अय्यूब के मित्रों पर प्रकट हुई, वैसे ही हम भी अगर परमेश्वर के मार्गों पर बने रहें और अपने जीवन से अगर प्रभु को दुख ना दें तो हमारा प्रभु हमारी धार्मिकता को लोगों पर प्रकट करता है। तब आगे हम देखते हैं, अय्यूब ने एक वेदी बनाकर अपने मित्रों के लिए और अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, कि जो कुछ अय्यूब का विपत्तियों में खो गया था, परमेश्वर ने उसका 2 गुना भाग उसे लौटा दिया। और उसका जो कुछ था, धन संपत्ति बच्चे, परमेश्वर की ओर से मिले, जो कि बहुत ही सुंदर थे। यह आशीष परमेश्वर की ओर से अय्यूब को मिली, क्योंकि अय्यूब की जो परीक्षा हुई उसमें वो खरा निकला। बाइबल कहती है प्रियो, याकूब की पत्री 1:12 में, कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब हम भी अपने जीवन में परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, तो भले ही हमारा सब कुछ हमसे क्यों ना छीन गया हो, परमेश्वर उसका कई गुना हमको वापस लौटा देता है। इसलिए हमें अय्यूब के जैसे धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। आशा करती हूँ प्रियो कि अय्यूब का जीवन आप लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा होगा और आप लोग इस कहानी के द्वारा आशीष पाए होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं एक नई कहानी के साथ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।